नमस्कार, देसी किचन चैनल में आपका स्वागत है। और कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो आज हम एक पहले काढ़े की हम रेसिपी डाल चुके हैं, आज दूसरा काढ़ा है ये। तो देखिएगा, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, तो आप बताइएगा। नमस्कार जी, आप सब दोस्तों का नमस्कार जी। तो पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो पंजाबी में थी, वो हमारे जो इधर दिल्ली साइड जो फ्रेंड्स रहते हैं वो कहते हैं हमें भाई साहब समझ नहीं आया, तो आप कृपया आप हिंदी में बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको मैं। तो फ्रेंड्स, पहले जो काढ़ा बनाया था हमने, तो वो उससे थोड़ा अलग है ये काढ़ा। उसमें 10-11 आइटमें पड़ी थी, इसमें 14-15 आइटमें हैं। तो ये मतलब शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इम्यूनिटी पीने के बाद 10 मिनट बाद इम्यूनिटी बढ़ जाती है शरीर की। और बिल्कुल भी आप जब काढ़ा लें बनाएं तो एक घंटा कुछ ना खाएं पिए जब आप काढ़ा मतलब पीते हैं, ठीक है जी। तो आपको मैं सामग्री गिनवा देता हूं मैं। तो ये पहले नंबर पे जो है ये हार श्रृंगार के पत्ते हैं। हार श्रृंगार का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते हैं ये, ठीक है जी। ये भी बहुत अच्छी चीज है, मतलब कि आयुर्वेद में आप अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये एक नींबू है लेमन, और ये थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां हैं, और ये तुलसी, जीरा और अजवाइन को पीस के मैंने ये बना लिया था मिक्सचर, और हींग जो लेनी है हमने थोड़ी लेनी है हींग, ठीक है जी। और इसके साथ ही पड़ी है काली मिर्च, इसको हटा लेते हैं। इसके साथ काली मिर्च पड़ी है, और ये है हल्दी, हल्दी, अदरक, ये दालचीनी, लौंग, और यहाँ पे लेंगे हम काला नमक, ठीक है जी। और इसके साथ ही पड़ा है सदाबहार के थोड़े से 2 फूल हैं और 4-5 पत्ते हैं। तो ये जब काढ़ा बनता है तो बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक है, हाजमे के लिए बहुत लाभदायक है, बुखार के लिए, जो आजकल वायरल चल रहा है उसके लिए। तो जो पहले काढ़ा बनाया था उसमें डाली थी हमने शक्कर डाली थी उसमें, ठीक है जी। तो इस काढ़े में हम डाल रहे हैं शहद, ये शहद डलेगी इसमें। शहद ले लो, कोई भी ले लो, अगर घर का शहद है तो घर का ले लो, और इसमें डालेंगे हम शहद। बहुत ही अच्छा बनने वाला है ये एकदम, मतलब दवाई खाने से तो बेहतर है कि आप ये काढ़ा बना के पिए, ठीक है। तो आपको ये बना के दिखाते हैं जी। तो हाँ, तो दोस्तों ये ले लिया हमने एक बर्तन, बर्तन में 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है, और ये वाला 1 गिलास भर के और डालेंगे। ये मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर चाहो तो आप आधा ग्लास और डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आधा ग्लास और डाल दिया, यानी कि इसके अंदर ये वाले जो ग्लास हैं ये 2.5 गिलास हो चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 गिलास भर के और थोड़ा आधा ग्लास, मतलब 2.5 गिलास हो चुके हैं। अब ये सारा जो मटेरियल है शहद को छोड़ के, ये जो सारा मटेरियल पड़ा है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो हाँ जी, जा रहा है जी। पत्ते गए हार श्रृंगार के, पुदीने के पत्ते गए, और ये आपकी तुलसी के पत्ते गए, ठीक है जी। ये है गई सदाबहार, और उसके 2-4 फूल, 2 फूल हैं 4 पत्ते हैं, ये भी गए इसके अंदर, ठीक है जी। लेमन को साइड में रख लो, बाद में डालेंगे। तो ये जो सारा मटेरियल है ये बीच इसके चला जाएगा, तो एक साइड पे इनको पहले इकट्ठा कर लें ऐसे करके, ताकि डालने में आपको आसानी हो, ठीक है जी। ये डाल लिया ऐसे, थोड़ा मुश्किल होता है कि एक हाथ से कैमरा पकड़ना और काढ़ा बनाना, तो ऐसे ये सब इसके अंदर चला गया, ठीक है जी। देखिए मटेरियल चला गया इसके अंदर, और जब ये आधा रह जाएगा उसके बाद लेमन डालेंगे, ठीक है, उसके बाद लेमन डालेंगे। ये देखो, अब इसको आंच पे इसको तलो। दोस्तों मैंने चूल्हे को कर दिया हूँ बिल्कुल ऑन कर दिया है, और इधर आ जाइए आप, और ये अपना बर्तन उठाएं और रखें, और इसकी स्पीड को तेज कर दें, ठीक है जी। और ऊपर से इसको ढक दें ताकि कोई मच्छर वगैरह ना पड़ जाए, वैसे वायरस तो पहले नहीं हमारा पीछा छोड़ रहा, ठीक है जी। हम इसको उबलने देंगे जब तक ये 1.5 गिलास ना रह जाए या 2 गिलास ना रह जाए लगभग, फिर इसको उतारेंगे हम। हाँ, तो लीजिए देखिए काढ़ा कितना अच्छा बन रहा है, और कितना बेहतरीन कलर है इसका, बेहतरीन कलर है इसका।
अब इसमें ऐड करेंगे हम नींबू। देखिए अब थोड़ा पानी कम रह गया, अब नींबू ऐड करें। नींबू को मैंने इस कटोरी में निकाल लिया है, एक नींबू को, और इसके बीज निकाल दिए हैं हमने, और एक पूरा नींबू इसके अंदर अब इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए अब ये डल गया है। पीने में इतना मस्त और शरीर के लिए इतना स्वस्थ, बहुत जानदार चीज है ये। बर्तन में निकालेंगे पीने के लिए, तो फिर ठह शहद डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि गर्म गर्म अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा गुनगुना रहेगा तो उसमें शहद डाल के पियेंगे, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं हमको, 10-12 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए पानी भी कम हो गया और ये गाढ़ा भी कितना हो गया, यानी कि ये गाढ़ा बन के तैयार है। अब बर्नर को करेंगे ऑफ और देखो पानी कितना कम रह गया है, मेरे ख्याल में 2 ग्लास से भी कम पानी रह गया। और एक चीज आप बात ध्यान में रखिएगा, जब ये कड़ा बनाएंगे तो जो आप इसके अंदर जो चीजें डालेंगे क्वांटिटी के हिसाब से डालना, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों की तासीर जो है वो बहुत गर्म है, ठीक है जी। इतना ध्यान रखिएगा, जितना आपका शरीर मतलब सहन कर पाए वो ही चीज आप कीजिएगा। सारी चीजें गर्म है इसके अंदर, ठीक है जी। तो अब मैं आपको गिलासों में डाल के या कप में डाल के दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों हमारा काढ़ा बनके बिल्कुल तैयार है, देखिए कितना खूबसूरत बना है, ठीक है ये देखिए बहुत फर्स्ट क्लास बना है काढ़ा। तो लो दोस्तों काढ़ा बनके तैयार हो गया, मैंने ग्लास में निकाल लिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे अपना ये जो हनी है, ठीक है शायद, ठीक है तो हम ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा शहद ऐड करेंगे। शहद हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है और आपका वेट भी लूज करेगा। ये देखिए इसके अंदर चला गया, शहद ही डालना इसमें। ये जो पत्ते वाली कड़ी है, काढ़ा है ना, कड़ी बोल गया, परसों बनाई थी हमने कड़ी ये, तो कोई बात नहीं। तो ये मतलब जो काढ़ा है ना, जिसमें पत्ते हमने ज्यादा डाले, इसके अंदर शहद ही डलता है, ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छा बन चुका है ये काढ़ा और ये लाजवाब चीज बनी है, ठीक है जी। तो अब हम इस काढ़े को मैडम को चेक कराते हैं, ठीक है जी, चलिए फिर। तो लीजिए मैडम के पास आ गए हम, तो आप पीकर बताइए कि आपको काढ़ा कैसा लगा ये। वेरी नाइस, बहुत अच्छा काढ़ा बनकर तैयार हुआ है। तो वैसे ही मैं थक गई थी काम करते करते, ये अपना काम किचन में कर रहे थे और मैं सफाई वगैरह कर रही थी घर में, तो काफी थक गई मैं, तो मुझे जरूरत थी। तो बहुत अच्छा बना है, आप घर पे जरूर बनाएं, इसे ट्राई करें, और बहुत पीने में भी बहुत टेस्टी है जी। इसके फायदे बहुत है, जैसे बुखार जो भी वायरस चल रहा है अभी, तो आप ठीक रहेंगे, इसको 2-3 दिन बाद बनाकर आप पीते रहें। वैसे ऐसे हस्बैंड भगवान सबको दे, क्योंकि ये हेल्प करते रहते हैं मेरी काफी कामों में, तो अच्छा वैसे भी बनाते रहते हैं, कोई नेक्स्ट डालेंगे जो रेसिपी कोई और बनाकर, तो काढ़ा आप जरूर ट्राई करिएगा घर पर। जो पहले हमने काढ़े की जो वीडियो डाली थी ना, जो आज हमने काढ़ा जो इन्होंने बनाया है वो उससे अलग है, एक जैसा मत समझना आप, अलग है और ये उससे भी ज्यादा बेटर है ये जो आज बनाया है इन्होंने, बहुत अच्छा है ये, तो पीने में भी टेस्टी है बहुत। तो बहुत अच्छा काढ़ा बना है, तो घर पे जरूर ट्राई करिएगा आप। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे देसी किचन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है जी, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।